हम बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक पप्पू खान के पास मौजूद हैं और इनकी पत्नी आफरीन सुल्ताना निर्दलीय उम्मीदवार हैं बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र से। तो हम इनसे जानना चाहेंगे इस बार इनका चुनावी मुद्दा क्या होगा। चुनावी मुद्दा हमारा क्षेत्र का विकास है जो सर्वोपरि है। 5 साल पहले भी हम MLA रह चुके हैं बिहार शरीफ विधानसभा से। चूँकि बिहार शरीफ टाउन तो पहले था हमारे क्षेत्र में, लेकिन रहुई ब्लॉक नए परिसीमन के अंतर्गत जुड़ा है। तो रहुई जो उपेक्षित रहा है 15 साल से, कोई काम नहीं, कोई विकास नहीं, तो पूरे रहुई का 16 पंचायत, 96 गांव है, सारे गांव का विकास करना है। रोड है, बिजली है, पानी है, स्कूल है, हर गांव को देना है। शहर में भी जहाँ जहाँ 15 साल में कोई विकास नहीं हुआ, हमारे जो वर्तमान माननीय विधायक महोदय हैं उनको टूर से फुर्सत नहीं, दिल्ली बॉम्बे से फुर्सत नहीं है। यहाँ की जनता त्रस्त हो चुकी है 15 साल में। तो बिहार शरीफ का भी चौतरफा विकास, बिजली हो, पानी हो, रोड हो, स्कूल हो, शिक्षा हो, सबको हमको देखना है, विकसित करना है। और एक सबसे बड़ा मामला ये है जो मैंने तय किया है कि अगर जनता ने मुझे मौका दिया, चुनाव हम जीते, तो एक ट्रस्ट इस बार हम बनाएंगे, एक ट्रस्ट बनाएंगे और उन बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं, टैलेंटेड हैं, उनके लिए फ्री कोचिंग, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, दरोगा का जॉब हो, किसी भी तरह का ESIPS का पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हमारा ट्रस्ट फ्री कोचिंग, एक पैसा उनको देना नहीं है। वो हमारा ट्रस्ट वैसे बच्चों को चिन्हित करके टैलेंटेड बच्चों का सारा खर्च उठाएगा, क्योंकि शिक्षा से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ अभी पूर्व विधायक डॉक्टर पप्पू खान जी मौजूद हैं यहाँ पे, इनका कहना है कि अगर ये पता हासिल करते हैं और बच्चों की तालीम पे ये फोकस करेंगे, एजुकेशन पे फोकस करेंगे। बहरहाल तो अभी NDA के उम्मीदवार डॉक्टर सुनील हैं और महागठबंधन के उम्मीदवार सुनील सौ हैं, तो इस परिस्थिति में किस तरह से ये कामयाब होंगे? देखिए, डॉक्टर सुनील कुमार जी भी भाजपा के उम्मीदवार हैं और जो राष्ट्रीय जनता दल ने जिनको उम्मीदवार बनाया है वो भी जन्मजात BJP हैं, जन्मजात RSS हैं। दोनों में कोई अंतर हम नहीं समझते हैं और न जनता समझ रही है। ठीक है, टिकट ले आए हैं सुनील कुमार सौजी राष्ट्रीय जनता दल से, उन्होंने टिकट खरीदा है, टिकट उनको मिला नहीं है, टिकट उन्होंने खरीदा है। तो टिकट तो खरीद सकते हैं, लेकिन जनता का जो वोट है वो खरीदना संभव नहीं है। जनता अपना मताधिकार अपने मत से करती है, तो जनता हमारे साथ है, समाज हमारे साथ है, सारे लोगों का प्यार हमारे साथ है। 5 साल तो हमें मिले रहे, लेकिन 20 साल से हम समाज के बीच में हैं, हर दुख और सुख में हम शामिल हैं। रात हो या दिन हो, कभी भी जनता का कोई समस्या आता है, हम एक पैर पर खड़े रहते हैं। और जनता फैसला ले चुकी है क्या करना है, 10 तारीख को जब काउंटिंग होगा तो पता चलेगा। क्योंकि हम रहुई भी घूम रहे हैं, एक गांव ऐसा नहीं है जो वर्तमान विधायक माननीय डॉक्टर सुनील कुमार जी को वोट देने के पक्ष में है, एक गांव ऐसा हमको नहीं मिला। सब लोगों ने कहा कि विधायक जी 15 साल डॉक्टर सुनील कुमार जी ने हम लोगों को ठगा।